हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSGU। आज मैं आपको कैरी बैग बता रही हूँ, किस तरह से बनाना है आपको। और ये आपकी शीट्स हैं। फर्स्ट ये लैमिनेट शीट है आपकी, ये हैंडमेड शीट्स हैं आपकी, ये वॉलपेपर, एंड इसी में ही आपकी लैमिनेट शीट में डिफरेंट कलर्स आ गया, एंड ये वॉलपेपर। फर्स्ट क्या करना है, ये शीट मैंने ले ली, लैमिनेट शीट ली है मैंने। फर्स्ट आपको लेंथ मेजर करनी है 12 इंचेस। ये मार्क करके ड्रॉ करना है, एंड फिर ब्रेथ पोर्शन से आप हाफ इंच ड्रॉ करोगे, एंड फिर ब्रेथ आपने मेजर करनी है 6 इंचेस। एंड साइड पोर्शन 2.5, एंड सेम वे करना है 6 इंचेस। एंड अगेन 2.5, मेजरमेंट्स कंप्लीट होगी जो भी आपको ड्रॉ करना था कैरी बैग का। अब एक्स्ट्रा पेपर की आपको कटिंग करनी है। कटिंग हो गई है, एक्स्ट्रा पेपर साइज कर दीजिए आप। ड्रॉ करने के बाद आपको जो टॉप पोर्शन से 1 इंच मार्क करना है फर्स्ट, एंड बॉटम साइड से 2.5। ये 2.5 आपने ड्रॉ किया। शीट बहुत हार्ड है, इस रीजन वाइज मैं क्रीजिंग करूंगी, सीजर से करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत नीटनेस होती है। आप भी जब करोगे कोई भी हार्ड शीट में तो सीजर से क्रीजिंग करना। फर्स्ट मैंने लेंथ साइड से करा, अब आप ब्रेथ पोर्शन से भी करोगे। सेम बॉटम भी आपको करना है। बॉटम पोर्शंस में जो आपने हाफ इंचेस मार्जिन लिया, फर्स्ट कट होगा स्लांट एंड फिर स्ट्रेट कटिंग। जो क्रीजिंग किया जस्ट एक फोल्डिंग आप कर लीजिए। सेम लेंथ पोर्शन से एंड सेम ब्रेथ पोर्शन से क्या, अब इसमें पेस्टिंग प्रोसेस होगा। आप पेस्ट फैबिकॉल से भी कर सकते हो, ग्लू गन से भी कर सकते हो। ग्लू गन से करने का रीजन ये होता है कि ये जल्दी आपका पेस्ट होता है। टॉप पोर्शन को जो मैंने 1 इंच लिया था उसको पेस्ट किया फर्स्ट, हो गया। एंड फिर साइड्स में जो मैंने हाफ इंच मार्जिन लिया था उसके ऑन फ्लोट आपको ग्लू यूज करनी है और ये इसमें पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए टॉप पोर्शन भी पेस्ट हो गया आपका एंड साइड पोर्शन भी हो गया। अब आपका बॉटम पोर्शन है पेस्ट।
उसके लिए क्या करनी है पेस्टिंग में, फर्स्ट जो आपका साइड पोर्शन था 2.5 आप उस पे ग्लू यूज करोगे। एंड देन जो आपने 6 इंचेस ब्रेथ लिया था वो उस पे ओवरलैप हो जाएगा, राइट। सेम वे इसमें भी करना आपको, और ये इसमें पेस्ट कर दिया। बॉटम हो गया बिल्कुल रेडी आपको। अब इसमें जो मुझे आपको यूज करना बताना है हैंडल के लिए, आईलेट्स बताने, ये आपकी आईलेट्स पंचिंग मशीन है। एंड देन ये आईलेट्स हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। अब इसमें होल करना है आपके इस पोर्शन से, इसमें होल होगा पेपर में, ठीक। तो आपको दोनों सीट साथ में लेके करना है, अगर सिंगल सिंगल करोगे तो वो अनइवन होगा होल। अभी जस्ट ये होल हुआ, ऐसी सेम आपको आईलेट्स यूज करने हैं अपने। मैं सेम कलर के यूज कर रही हूं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स में यूज करना आपने। अब ये इसमें टॉप पोर्शन है आईलेट्स में, ये बॉटम पोर्शन है। मशीन में भी आपका साइन है जो पंचिंग मशीन है। बैक पोर्शन किया एंड देन प्रेस। ठीक, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर आपका प्रेसिंग के बाद आफ्टर। ये आपका भी पंच होके प्रेसिंग हो गया है। अब इसमें रिबन्स हैं कि आपको कौन कौन से रिबन्स वो करने, ये रिबन्स की वैरायटीज हैं। ये सारे आपके प्लास्टिक रिबन्स हैं एंड ये जरी रिबन हो गया। जरी रिबन में 1/8 इंचेस है, ये सैटिन रिबन्स है, ये गोटा रिबन आपका हो गया, डिफरेंट डिफरेंट है। ये प्लास्टिक में 1 इंचेस रिबन है। तो मैं यूज जो कर रही हूँ, मैं जरी रिबन कर रही हूँ 1/2 इंचेस। किस टाइप से इसको मेजर करना है, आपने एक अप्रोक्स 12 इंचेस में ले रही हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो जो भी आपका साइज है। एंड डबल किया, कट करने, नॉर्मली इसको डालना है जो इसके होल्स हैं। ये किया और नॉर्मली आप इसमें नॉट लगा सकते हो इस टाइप से, और आप इसको पेस्ट भी करना चाहते हो तो एज यू विश आप पेस्ट भी कर सकते हो। कंप्लीट हो गया, जो है एक्स्ट्रा आप उसकी कटिंग भी कर सकते हो। कंप्लीट हो गया आपके कैरी बैग, जो आपको मैंने फर्स्ट दिखाया था वो ये था बनने के बाद। थैंक यू सो मच।